हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज जैसा कि संडे था और मैं घूमने के लिए निकला, तो सोचा मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं सीधा चला आया जामा मस्जिद के पास जो पुरानी दिल्ली में है। और आपको दिखाता हूँ कि जामा मस्जिद में तो पैसा दिखता है जो मुगल बादशाह के टाइम का है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं वीडियो वगैरह बनाने और घूमने भी, और नमाज भी पढ़ते हैं आकर। तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। अब दूर से देख सकते हैं जामा मस्जिद का नज़ारा। ये सामने जो दिख रहा है जामा मस्जिद है। तो मैं अंदर जाने से पहले मैं आपको बाज़ार का दर्शन करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत बड़ा मार्केट लगता है। और जैसा कि देख सकते हैं ये सारा जामा मस्जिद से पहले ये मार्केट लगता है, जिसको संडे बाज़ार, चोर बाज़ार और भी बहुत सारे नाम से बोला जाता है। यहाँ पर आपको हर तरह का सस्ता महंगा हर रेट में आपको सामान खरीदारी करने को मिल जाएगा। रश इतना ज़्यादा था कि मैं वीडियो बना सही से बना नहीं पाया मार्केट का, और मुझे चलने में भी दिक्कत आ रहा था। और इस मार्केट में सबसे ज़्यादा जब कतरे घूमते हैं तो उसका भी ध्यान रखना था, और इसी वजह से मैं बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत वीडियो बना पाया और दिखा पा रहा हूँ कि मार्केट में किस तरह का मार्केट चलता है। आप तो भीड़ देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जामा मस्जिद के पास कितना भीड़ है। और यहाँ पर आपको ये बता दें कि इंडिया का ही नहीं, बाहर के यानी फॉरेनर लोग भी आते हैं मार्केटिंग करने, और बहुत सारे लोग। इस वक्त तो कोई फॉरेनर मिला नहीं मुझे, लेकिन यहाँ पर फॉरेनर आते जाते रहते हैं। और जैसे कि मैंने जूम करके दिखाया कि वहाँ पर जामा मस्जिद था सामने में, कि आपको लगे नहीं कि मैं कहीं और का वीडियो दिखा रहा हूँ। और ये देख सकते हैं जामा मस्जिद पहुँचते पहुँचते मार्केट पूरा फैला हुआ है। और जामा मस्जिद पर चढ़ूँगा तो वहाँ पर भी दिखाऊँगा कितना ज़्यादा रश है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जामा मस्जिद के पास पहुँच गया हूँ, और देखिए कितना ज़्यादा रश है यहाँ पर, और लोगों की भीड़ देख सकते हैं। ये देखिए ये सब मुगल टाइम का बना हुआ है, और ये जामा मस्जिद की दीवार है। जामा मस्जिद के अंदर जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये जामा मस्जिद के ठीक सामने मार्केट का भीड़ है, और उसके सामने आप देख सकते हैं ये क्या है। चलिए आप नहीं बता सकते, मैं ही बता देता हूँ। ये लाल किला है, रेड फोर्ट जिसको बोलते हैं, ये सामने से बिल्कुल दिखता है। और ये देखिए फिर मैं थोड़ा सा और अच्छे क्वालिटी में दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सामने में लाल किला दिख रहा है, जो यही लाल किला है। तो चलिए मैं वो अंदर जाने से पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। और ये देख सकते हैं ये मेन गेट है, इसी से अंदर जाऊँगा। तो उससे पहले मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कभी भी अकेला नहीं जाता हूं, तो आज मैं अपने साथ कंपनी के लिए तारिक भाई को लेकर आया हूं। और ये देख सकते हैं ये कचरा अपना साफ करा रहे हैं आते ही। इनको सुनाई नहीं दे रहा था, दो चार बार मैंने आवाज़ दिया लेकिन ये सुन नहीं पाए, तो सीधा इनका कान साफ करवाने चला आया। देखिए ये अपना सफाई करा रहे कान का, सुनाई नहीं दे रहा तारिक भाई। तो आइए अब अंदर की तरफ लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ मस्जिद के अंदर का नज़ारा। और अंदर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई है, और लोग आकर बैठे हुए हैं। जिनको नमाज़ पढ़ना है वो नमाज़ पढ़ते हैं, और जिनको बैठना रहता बैठते हैं, और जिनको फ़ोटो खिंचवाना रहता फ़ोटो खिंचवाते हैं। मतलब जिसको जो समझ में आता है वो करता है आकर यहाँ पर। और भीड़ देख सकते हैं ये मस्जिद के अंदर का नज़ारा है, और इधर देख सकते हैं ये चारों बगल ये मीनार वगैरह देख सकते हैं। ये चारों बगल का नज़ारा है, और ये पूरे मस्जिद की चौहद्दी है, इसलिए मैं पूरा घुमा कर दिखा दे रहा हूँ कैसा दिखता है अंदर से जामा मस्जिद। और चलिए तो मैं कुछ बताता हूँ उससे पहले। जैसा कि हम लोग दोनों आदमी मस्जिद के अंदर आ गए, जामा मस्जिद के अंदर, और ये जामा मस्जिद के अंदर काफी संख्या में भीड़ है आप देख सकते हैं। और तारिक भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या बोलेंगे, बोलिए आप लोग। अगर आप, अच्छा नहीं, तो आप देख सकते हैं इस वक्त जामा मस्जिद के अंदर, और इसके अंदर एक खास चीज दिखाएंगे वीडियो में। तो चलिए दिखाते हैं आपको वीडियो में कि क्या है इसमें खास जामा मस्जिद के अंदर। जो खास चीज़ के बारे में बताता है यही है सोलर क्लॉक यानी धूप घड़ी, जो असर और मगरिब का नमाज़ पढ़ने के लिए ये खास इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये पत्थर से बना हुआ है, और ये देख सकते हैं आकृति नुमा है, और
इसको ये तो नहीं मालूम है कैसे यूज करते थे, लेकिन जिसने भी बनाया उस समय के हिसाब से वो अपना यूज करते थे। और देख सकते इसको शीशे से कवर कर दिया गया है, आपको पास से दिखा दे रहा हूँ और बढ़िया से। और ये देखिए चारों बगल शीशा लगा हुआ है इसके, और इसको कवर कर दिया गया है। तो यही घड़ी था उस समय। तो वीडियो में इतना ही, और मैं आ गया हूँ अब मेट्रो में, और मैं निकलूँगा सीधा अपने घर की तरफ। आपको मेट्रो दिखा दूँ, कितना खूबसूरत मेट्रो है। ये देखिए ये मेरी जो मेट्रो से जाना है वो आ गई। अब मैं निकलता हूँ, आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाय बाय। Thank you.